भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाए, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कोरोना अब उस चरम पर पहुंच चुका है जहां पर एक बड़े फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है और कई बड़े फैसले लिए भी जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की बात करेंगे, जिन्होंने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और IGIMS में डोज लेने के बाद उन्होंने कई सारी बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने बिहार के लोगों को चेताया और कहा कि कोरोना महामारी को हल्के में ना लीजिए, जब दूसरी बार इसने कमबैक किया है तो ऐसे में और भी घातक हो गया है, इसलिए जो भी एहतियात, जो भी गाइडलाइन प्रशासन और सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करें। और एक बड़ा संकेत जो सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान दे दिया वो ये कहा कि बिहार के बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सके बिहार में चले आए। इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार हो ना हो लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने पर काम कर रही है, बल्कि संकेतों के माध्यम से ये पता चलता है कि नीतीश कुमार ने बड़ा संकेत दिया और ये कह दिया कि बिहार के बाहर जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी अपने होम टाउन, अपने राज्य को पहुंच जाएं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं वो चीज का धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ, तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज पर नज़र रखे हुए हैं और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं, जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, ये सब सारी बात है। और जहां तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो ज़रूरत होगा, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया है। तो सुना आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे और कोरोना जिस तरह से घातक हो रहा है बिहार में, और खास तौर पर बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं निकल करके, वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, भयभीत कर देने वाले हैं। और यही कारण है कि सरकार के द्वारा कई सारी पाबंदियां लगाए जाने की अब एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है, जिसमें यह भी आशंका जताया जा रहा है कि क्या बिहार एक बार फिर से लॉक होगा, क्या राजधानी पटना को एक बार फिर से लॉक किया जाएगा, या फिर गाइडलाइन में तब्दीली की जाएगी, पाबंदियां और बढ़ाई जाएंगी। ये सारे सवाल हैं जो अभी लोगों के मन में चल रहे हैं। सरकार क्या कुछ फैसला लेगी वो 17 तारीख को होने वाले सर्वदलीय बैठक में साफ हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। राजधानी पटना में भी हालात को काबू में करने के लिए लगातार जिला प्रशासन की बैठक चल रही है और यही कारण है कि इस पर भी कोई ना कोई फैसला निकलकर सामने आ सकता है कि राजधानी पटना में हालात को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से आप सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार के बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द वापस राज्य में चले आए। सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं वो चीज का धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ, तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं, जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, ये सब सारी बात है। और जहां तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो ज़रूरत होगा, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया है। जाहिर है, बिहार में कोरोना महामारी ने जब दोबारा दस्तक दिया तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि हो ना हो मामला जो है वो हल्के में है, लेकिन जिस प्रकार से मरीज मिलने लगे हैं मामला अब हल्के में नहीं रहा, मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। जैसा कि आपने हमारे पहले के वीडियो में देखा कि बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई प्राइवेट अस्पतालों को भी अपने अंतर अधीन कर लिया जिसमें कि कोरोना पेशेंट का इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सके। अब एक बार फिर से सीएम नीतीश के बड़े संकेत को समझा जा सकता है, क्या होने वाला है बिहार में आगे चलकर, क्या होने वाला है 17 तारीख की बैठक के बाद, ये वक्त बताएगा। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया जाए।